ऊर्जा मंत्री व उनके पीएसओ गत दिनों कोरोना पॉजिटिव आने के बाद शिमला के एसपी ऑफिस और नगर निगम कार्यालय को सैनिटाइज किया गया। बताया जा रहा है कि मंत्री के पीएसओ गत दिनों एसपी कार्यालय और नगर निगम शिमला की एक शाखा में गए थे, जिसके बाद इन्हें बंद कर दिया गया है। कोरोना महामारी लगातार अपने पांव पसारती जा रही है, लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और उनके पीएसओ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद शिमला में एसपी कार्यालय और नगर निगम कार्यालय को बंद कर दिया गया है। वहीं पूरे एसपी और नगर निगम कार्यालय को सैनिटाइज भी किया गया। उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने बताया कि मंत्री के पीएसओ एसपी ऑफिस आए थे, जिसके बाद एहतियातन पूरे कार्यालय को बंद कर सैनिटाइज किया गया है। कल एक माननीय मंत्री जो है उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो जो उनके पीएसओ थे जो पुलिस द्वारा प्रदान किए गए थे उनको, वो एसपी ऑफिस में जो है उनका यहाँ पर दो तीन दिन पहले जो है शायद आए थे यहाँ पर, और कुछ लोगों को वहाँ पर वो मिले थे, और जो पीएसओ हैं वो भी उनका भी टेस्ट जो है पॉजिटिव आया था। तो एहतियात के तौर पे जो है आज एसपी साहब ने अपने ऑफिस कार्यालय को जो है बंद किया हुआ है, वहाँ सैनिटाइजेशन जो है कर रहे हैं, और जब ये प्रक्रिया मुकम्मल हो जाएगी पूरी तरीके से तो उसके उपरांत जो ऑफिस खोल दिया जाएगा। वहीं नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि पॉजिटिव आए मंत्री के पीएसओ निगम की ड्राइंग ब्रांच में भी आए थे, जिसकी वजह से ब्रांच को सील किया गया है और सोमवार तक सभी कर्मचारियों को छुट्टी दी गई है। सोमवार को सभी के कोविड टेस्ट लिए जाएंगे और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही कार्यालय में कामकाज शुरू होगा। जैसे हमें मालूम हुआ कि जो हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री श्री सुखराम चौधरी जी है उनके जो पीएसओ है वो पॉजिटिव थे, और वो कल जो है नगर निगम के ऑफिस में हमारी जो ड्राइंग ब्रांच है उसमें इसी काम करने कार्य से आए थे वो अपने। तो जैसे हमें पता लगा तो हमने आज जो है सबसे पहले जो है नगर निगम के सारे ऑफिस सैनिटाइजर करवाए, और जो हमारी ड्राइंग ब्रांच थी जिसमें वो आए थे वो हमने सील्ड करी है, और बाकी जितने भी नगर निगम के कर्मचारी हैं उनको सबने हमने उनको सबको आज घर भेजा है। हम उनके टेस्ट करवाएंगे और अगर वो नॉर्मल होंगे तो मंडे से जो है ऑफिस लगेंगे। इसी तरह ये एमसी ऑफिस कितने दिन के लिए बंद कर रखा है अभी? अभी तो फिलहाल तो हमने देखो अभी हमने आज उनको घर भेज दिया सब एम्प्लॉयज को, कल परसों छुट्टी है और मंडे को हम जो है मतलब उनके टेस्ट लेंगे, उसके बाद अगर कोई नॉर्मल होंगे तो फिर ऑफिस का काम स्टार्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।